हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं शुभम शर्मा अपने एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, एक नई ब्लैक बीस्ट के साथ में, जो कि एक सुडान है और हुंडई की है गाड़ी है, जो कि हुंडई ने अभी लॉन्च की थी रिसेंटली 2023 में ही। ठीक है, इसका एस वाला मॉडल बात करने वाला है पेट्रोल वेरियंट में। ठीक है, जो कि आपको फ्रंट लुक देख के समझ गए होंगे कौन सी गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं वरना हुंडई वरना के बारे में, एस पेट्रोल वाला वेरिएंट के बारे में। फ्रंट से बात करते हैं गाड़ी में, फ्रंट में आपको मेजरली टॉप मॉडल से कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। ओनली आपको जो हेडलाइट्स देखने को मिल जाती हैं वो सिर्फ हेलोजन में देखने को मिलती हैं, और जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको नॉर्मल हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। ये आपका DRL हो गया, यहाँ आपका जो पार्किंग के साथ में लाइट जलती है वो वाली लाइट है, ये DRL नहीं है बीच वाला। ये आपको ब्लैक क्रोम देखने को मिल जाता है, और ये नंबर प्लेट के लिए फ्रंट में आपको कोई भी पार्किंग सेंसर देखने को नहीं मिलता है। साइड में आपको एरोडायनामिक्स के लिए दे रखा है। हुड पे जो इसके जो शार्प एंड कट्स है ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं यार ये। ठीक है, साइड से बात करते हैं गाड़ी के व्हील्स के बारे में। इसमें आपको 15 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जो कि आपको फ्रंट एंड ब्रेक, यार ऑब्वियसली टॉप मॉडल में ही आपको डिस्प्ले नहीं दे रखे पीछे को, तो ये बेस से ऊपर वाले मॉडल में कहाँ ही देंगे। इंडिकेटर आपको इसमें मिरर में देखने को मिल जाता है, ऐसी कुछ आपको इसमें की देखने को मिल जाती है सिंपली, जो कि आपको कोई भी आपको रिक्चर सेंसर वगैरह देखने को नहीं मिलता है। ये एक अच्छी बात है, इंडिकेटर आपको मिरर पर देखने को मिलता है, मैनुअल ही आपको मिरर फोल्डेबल देखने को मिलता है। वाइपर्स की बात करें तो ऐसे कुछ आपको वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं पीछे से गाड़ी में कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है, मतलब देख रहे हो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, वही कनेक्टेड टेल लाइट्स और इंडिकेटर, बैकलाइट, कैमरा कहीं भी नहीं दे रखा है। एक्चुअल में ये देखो, कैमरा कहीं पे भी नहीं दे रखा है, तो ऐसी कुछ आपको इसमें पीछे से लुक मिल जाती है। डिफोकस की बात करें, आपको पीछे को डिफोकस देखने में आता है, आई माउंट स्टॉप लैंप और शार्किंग एंटीना। मेन जो कंसल्ट है ना वो इंटीरियर के बारे में, भाई इंटीरियर में क्या क्या कॉस्ट कटिंग की गई है वो देखना है। और देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, व्हील बेस आपको 2670 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। बस तो अंदर जाके बात करते हैं गाड़ी के, तो ऐसा कुछ आपको इसमें इंटीरियर देखने को मिल जाता है। एक बार झलक देख लो फिर कंप्लीटली बात करने वाला है। ठीक, यहाँ पे आपको फैब्रिक टच प्लास्टिक है, सॉफ्ट टच कहीं भी नहीं दे रखा है। ये ब्लैक डुअल टोन में आपको इंटीरियर देखने को मिल जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट। मैनुअल हाइट एडजस्टेबल सीट, व्हाइट कलर की आपको सीट देखने को मिल जाती है, जो कि गंदी भी होना स्टार्ट हो जाती है। यार व्हाइट कलर का इंटीरियर क्यों देते हैं लोग कंपनी वाले, यार ये कौन से टाइम में जी रहे हैं। ये देखो, आप तो छोड़ दो उनको। देखो यहाँ पे आपको की दिखाने के लिए जगह दी रखती है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, ऑन ऑफ के लिए, ये हेडलाइट लेवल स्विच, ऐसी भी आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाती है, जो कि एक्चुअल में काफ़ी अच्छी लगती है यार, मतलब बहुत प्यारी लगती है। सीटिंग पोस्चर मैंने आपको पहले बता रखा है, बहुत प्यारा सीटिंग पोस्चर है, और टिल्टी देखने को मिल जाती है, टेलीस्कोपिक आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है। तो गाड़ी में लगाते हैं की, और बता नहीं सकता कोई भी ये बेस से ऊपर वाला मॉडल है, पूछिए क्यों अभी बताता हूँ आपको। ये देखना, तो दो डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है यार। ये देखो, एक डिस्प्ले यहाँ पे, एक डिस्प्ले यहाँ पे, ये आपको 10 इंच की देखने को मिल जाती है, आपको 8 इंच की देखने को मिल जाती है। पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है, कोई भी आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं देखने को मिल जाता है बस। ठीक है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे कोई भी आपको डमी बटन दे सकते हैं, दिए गए हैं सॉरी, टाइप सी 12 के शॉकेट, टाइप ए। यहाँ पे आपको पैसेंजर एयरबैग्स, सॉरी सीट बेल्ट के लिए वो दे रखा है, ग्लोबॉक्स ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है, जो कि कोल्ड ग्लोबॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। गियर नो बेर बड़ा नकली से मेरे को लगा, पता नहीं क्यों पर बड़ा नकली से लगा। हैंड ब्रेक, ये आपका अमरेस्ट स्लाइडेबल आपका अमरेस्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपके MID के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से MID के, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, ये आपका कस्टमाइज कर सकते हो, जो भी है रेडियो जो भी है आप। ठीक है, जिसके AC वेंट्स है ना बहुत प्यारे लगते हैं यार, ये देखो बहुत प्यारे AC वेंट लगते हैं। और बात करें इसके IRVM मैनुअल, आपको IRVM देखने को जाता है, और ये आपकी हेलोजन लाइट्स,
यहाँ पे आपको मिरर कोई भी लाइट वगैरह नहीं दी जाती। इस स्कर्ट का जो एक्चुअल में प्राइस है, ये आपको मिरर दिया जाता है, कोई भी लाइट के साथ नहीं दिया जाता है। और क्या है, बस वही है टॉप मॉडल वाले। यहाँ पे आपको वाइपर्स कंट्रोल, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं एक्चुअल में, और बस यही है। बात करते हैं गाड़ी के सिटिंग पोस्चर के बारे में। सिटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी वाइड एंगल आपको देखने को मिल जाता है। ये देखो काफ़ी एक्चुअल में काफ़ी बड़ी इसकी विंडो स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि आपको बहुत हेल्प करती है सामने का व्यू देने में। तो बात करते हैं गाड़ी के पीछे के सीट स्पेस के बारे में। भाई पिछली बार वरना में तो नहीं था पीछे वाले स्पेस, इस वाली वरना में काफ़ी अच्छा स्पेस है। मेरी हाइट है 6 फीट, आगे की सीट मैंने मेरे हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। अब मैं देखो कितना कंफर्टेबल है, लेग रूम काफ़ी है, अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी है, और काफ़ी अच्छा लेग रूम आपको देखने को मिल रहा है। पीछे को दो टाइप सी देखने को मिल जाता है फ़ोन वगैरह रखने के लिए स्पेस, और यहाँ पे आपको क्या देखिए एसी वेंट देखने को मिल जाता है। बीच में आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, ये बीच में आपको लाइट, ये आपके क्या दिखा रहा हूँ मैं कैसे ऐसे, हाँ ये हुआ ना लॉक्जिबल। आपको एयरबैग, 6 एयरबैग आपको इसमें देखने को मिल जाता है, फोकस कर ले यार। हाँ पीछे से ऐसा कुछ आपको उसमें डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम ही लगता है, लगता नहीं है यार। अब मैं आपको बताता हूँ गाड़ी की प्राइस। ये गाड़ी आपको देख लो, ऐसी वाली गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है ये। वरना आपको अरुण हुंडई दौसा में तकरीबन 11,95,000 के एक्शोरूम प्राइस पे आपको देखने को मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से कोई भी घाटे का सौदा नहीं है। पीछे को जाते हैं, बात करते हैं गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में। आप मुझे बताना कितना आपको बूट स्पेस में लग रहा है। ये देखो मेरा पूरा हाथ टच भी नहीं हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको मिल जाता है 528 लीटर्स का बूट स्पेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस आपको इसमें देखने को मिलता है। बात करते हैं गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। इसमें आपको 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। पेट्रोल गाड़ी आती है ऑब्वियसली, और इसके डोर हैंडल्स काफ़ी प्रीमियम। ब्लैक बीस्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस प्राइस रेंज में ऐसी सेडान कोई भी कंपनी ऑफर ही नहीं करती है। इसकी कॉम्पिटिटर में एक तो नाम से वो वाली गाड़ी है होंडा की सिटी, बस एक कॉम्पिटिटर इसकी गाड़ी, एक ही कॉम्पिटिटर है इसकी। और बात करते हैं गाड़ी के, तो दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के पेट्रोल इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। भाई इतनी बड़ी सेडान आपको देखने को मिल जाती है 11,95,000 में, लेकिन इसमें आपको पावर कितना मिलता है वो देखने की बात है। तो बात करते हैं गाड़ी के पावर के बारे में। इसमें आपको 1.5 लीटर का MPI पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है हुंडई वाला, जो कि आपको पावर प्रोड्यूस करता है 113 kbhp, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 143 Nm का टॉर्क आपको प्रोड्यूस करके ये दे देता है। तो वरना काफ़ी अच्छी गाड़ी है नो डाउट, जब से इसका ये मॉडल जनरेशन चेंज किया है ना काफ़ी अच्छा है एक्चुअल में। ये देखो आपका इसका इंटीरियर देखो यार, ठीक है। तो ऐसी कुछ थी आपकी हुंडई की, वरना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।